हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं ले आई हूँ आपके लिए आज छोटी सी रेसिपी, जिसको हम बोलते हैं गार्लिक ब्रेड। तो इसके लिए मैंने ले लिया है इस टाइप की, जो ब्रेड आती है मार्केट में आपको मिल जाएगी आसानी से। और साथ में मैंने लिया है 2 क्यूब्स चीज़ और गार्लिक रोस्ट की हुई है, उसमें बटर ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा मैंने सूखी जो लाल मिर्च आती है, चिली फ्लैक्स बोलते हैं जिसको, वो इसमें पेस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। तो ये जो बटर और गार्लिक है, ये थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको आप ना थोड़ा सा लिक्विडी करने के लिए आप इसको माइक्रोवेव कर लेना। इसमें चिली फ्लेक्स है और बटर है और गार्लिक है। गार्लिक को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था ताकि इससे थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आएगा। बस इतना ही करना है आपको, कुछ इसमें ज़्यादा आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी टेस्टी बनती है, यमी बनती है और फटाफट बन जाती है। तो आप देख सक रहे होगे आपके स्क्रीन पर, इस तरह से मैंने बटर को मेल्ट कर लिया है, जिसमें मैंने ऐड किया है गार्लिक, 5 to 5-6 क्लोव्स होंगे। और इस तरह से मैंने इसको ब्रेड पर लगा दिया है। ब्रेड पर लगाने के बाद में अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, क्योंकि इसमें बटर और गार्लिक है। तो अगर आप कच्चा यूज़ करोगे ना, तो कच्चा कच्चा मतलब फ्लेवर आएगा, लेकिन इसको मैंने रोस्ट कर लिया गार्लिक को, तो ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देगा। इस तरह से मैंने चीज़ को इसके ऊपर ऐड कर दिया है। चीज़ आप अपने हिसाब से लगा लेना। और ये क्यूब वाली अमूल की चीज़ आती है, वो वाली है। इसको मैंने वो कद्दूकस में कस कर इसको लगा लिया। और इस तरह से आपको इसको लगा कर, आपके पास ओवन हो तो ठीक है, नहीं तो आप पैन में भी बना सकते हो बहुत आसानी से। इस तरह से एक पैन मैंने ले लिया है, और पैन में पहले मैंने बटर लगा दिया है। बटर लगाने के बाद में सारी ब्रेड को मैंने इसे रख दी है। रखने के बाद इसको आपको ढकना होगा ताकि चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट होकर ब्रेड के ऊपर लग जाए। इसको आप नाश्ते में भी खा सकते हो, बच्चे को स्नैक्स में दे सकते हो, या टिफ़िन में भी दे सकते हो। बच्चे लोग को बहुत पसंद होती है और फटाफट बन भी आती है। आप इसको सुबह भी बना सकते हो उनके लंच। और जब ये बन जाए, मतलब 5 से 7 मिनट में बन जाती है, इसके ऊपर मैंने सीजनिंग डाल दी है, जो ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स आती है। आप पिज़्ज़ा सीजनिंग भी इसमें ले सकते हो, काफ़ी अच्छी लगती है और फटाफट तैयार हो जाती है। और झटपट शाम के नाश्ते में भी आप इसको खा सकते हो, बच्चों को भी खिला सकते हो। ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है और काफ़ी टेस्टी बनी थी, और 10 मिनट में रेडी हो गई थी बनकर। शाम की चाय के साथ तो काफ़ी अच्छी लगती है। और आप बताइए, आपको मेरे ये छोटे छोटे रेसिपी कैसी लगती है? ज़रूर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा, मैं उसको फॉलो करूँगी और इसी तरह से छोटी छोटी रेसिपी लाती रहूँगी। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, फिर आऊँगी एक छोटी सी रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।